नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें कि रेणु मंदिर कुछ ही दिनों में स्टार बन गई है। क्या इनके स्टार बनने के पीछे का उद्देश्य हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि रेणु मंदिर की बेटी ने आज अपनी माँ पे काफी बड़ा इल्जाम लगाया है कि उनकी माँ ऐसे ही स्टार नहीं बनी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़े बड़े स्टारों के साथ अपनी इज्जत का सौदा किया है, और इस बात के बयान देने के बाद मीडिया के सामने जो है काफी काफी बड़े सुपर स्टारों की जैसे कि हिमेश रेशमिया, जैसे कि सलमान खान की बदनामी हो गई है, और सलमान खान जो है रेणु मंदिर की बेटी पे भड़क उठे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सबूत मांगा कि आपके पास सबूत क्या है कि आपकी जो है माँ को हमने स्टार आपकी इज्जत का सौदा करने के बाद जो है मनाया। आपको बता दें कि जो बेटी अपनी माँ से काफी पिछले सालों से अलग रही थी, अलग रहने की सूचनाएं मिली थी, वो एकदम से मीडिया के सामने आते हैं, और मीडिया के सामने जब ये बातें होती है कि रेणु मंदिर जो है अपनी माँ को उन्होंने बेटी का सौदा करके जो उनकी माँ सुपरस्टार बनी है। आपको बता दें कि उनकी माँ के लिए काफी बड़ी इज्जत की शर्म की लाग है। इसी बात के बाद रेणु मंदिर ने कहा है कि वो आने वाले टाइम के अंदर कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे, या भी आने वाले टाइम के अंदर कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के से दूर अटैचमेंट रहेगी। रेणु मंदिर का करियर जो है बनने से पहले ही खत्म हो चुका है, इस बात का आज खुलासा हो चुका है। सलमान खान उन पर बार बार जो उनकी बेटी से ये आरोप वापस देने की कामने कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या रेणु मंदिर की बेटी ने आरोप सही लगाया है? क्या रेणु मंदिर की बेटी की बातों में सच्चाई है, या रेणु मंदिर के जो है सुपरस्टार सलमान खान या सुपरस्टार हिमेश रेशमिया जैसे कि मानते हैं रेणु मंदिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की पॉपुलरिटी के लिए ऐसा कर रही है, या रेणु मंदिर की माँ की बातों में सच्चाई है? इसके बारे में जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।